यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खारिव च एक नागरिक प्रशासन भवन सामने रॉकेट हमले तो बाद रूस को आतंकवादी देश करार दिता है। मंगलवार सवेरे हुए इस हमले विच सड़क पूरी तरह नष्ट हो गई और इमारत दियां खिड़कियां चकना चूर हो गई। ज़ेलेंस्की ने फेसबुक वीडियो राही यूरोप संसद विच कहा है, खारकी दे सेंट्रल स्क्वायर च हमला एक आतंकी हमला सी। उन्हां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि कोई भी इस नू माफ नहीं करेगा, कोई भुलेगा भी नहीं। अपने संबोधन राही ज़ेलेंस्की ने यूरोपी संसद का दिल जीत लिया। उन्होंने भाषण तो बाद सारे संसद मैंबर ने खड़े होकर ताड़ियां भी बजाईया। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि असी अपनी जमीन अते अपनी आजादी लई लड़ रहे हैं। इस सच्चाई के बावजूद कि साढ़े सारे शहरों की हुण घेराबंदी कर दी गई है, कोई भी सानू तोड़न वाला नहीं है, असी मजबूत हाँ, असी यूरोपी हाँ। ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन विच कहा, मैं कोई भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा क्योंकि यूरोप लई स्क्रिप्ट दा पड़ा खत्म हो चुका है। हुण असी जिंदगी ते मौत दा सामना कर रहे हैं। असी अपने बच्चों नू जिंदा वेखना चाहते हैं। असी अपनी राखी लई लड़ रहे हैं।